विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमः। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरि हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 श्रीला प्रभुपदा। बोलो जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरि बोल। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा बोलो श्री राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 ताली बजाओ सभी लोग क्लैपिंग हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो जयराज आवाज निकालो जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरि हरि बोल हरे राम राम राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे गौर प्रेमानंदे निताई गौर प्रेमानंदे निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी,
बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना जमुना तीर वनचारी जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन जमुना तीर वनचारी जमुना तीर जमुना तीर वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रेम से बोलिए आवाज निकालिए थोड़ा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव हम सभी लोग अपने अपने घरों में भगवान की पूजा करते ही हैं।
सबके घर में होंगे गोपाल जी, आपके यहाँ भी होंगे, आपके यहाँ भी होंगे, सब लोग गोपाल जी की सेवा करते हैं। फिर भी राधा गोविंद मंदिर जाते हैं, गोविंद देव जी और हमारे घर में जो गोपाल जी हैं उसमें कोई अंतर है क्या? एक ही हैं। भगवान अपना विस्तार करते हैं श्री विग्रह के रूप में, और प्रत्येक व्यक्ति जो भी सेवा करना चाहता है उसके घर में पहुंच जाते हैं, सेवा लेते हैं उनसे। हम जो सेवा कर रहे हैं वो सेवा गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, इसको हम कैसे सुनिश्चित करें? कैसे हमको पक्का विश्वास हो कि हाँ हमने यहाँ माला चढ़ाई भगवान को, वो माला गोलोक में भगवान ने स्वीकार की। वही बात है ना, गोलोक में जो भगवान है वो और यहाँ पर जो गोपाल हैं एक ही है ना, कोई अंतर ही नहीं है। तो इस बात को हम कैसे निश्चित रूप से जाने कि हाँ हमारी सेवा पहुँच रही है भगवान के पास, आज उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक होती है मूर्ति पूजा, मूर्ति ले आए पूजा कर रहे हैं। दूसरी होती है श्री विग्रह पूजा। वैष्णव कल्चर में आचार्यगणों ने भगवान की पूजा को मूर्ति पूजा नहीं कहा, कहते हैं श्री विग्रह सेवा, या फिर अर्चा अवतार सेवा। भगवान ने अवतार लिया है इस रूप में, गौर निताई के रूप में, लड्डू गोपाल के रूप में, तो उसकी जो श्री विग्रह बनते हैं उसको बोलते हैं अर्चा अवतार, जिसकी अर्चना की जा सके ऐसा भगवान का अवतार। तो मूर्ति पूजा क्या होती है और श्री विग्रह पूजा क्या होती है, कौन अधिकारी है भगवान की सेवा करने का, किसकी सेवा भगवान स्वीकार करते हैं, कैसे भक्त बना जाता है, इन सब बातों पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ढंग से बता रहे हैं, उसी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रोक्त है। श्री विग्रह की जो प्राण प्रतिष्ठा होती है, ऐसे तो नहीं मूर्ति ला करके बैठा दिया और पूजा शुरू कर दी, ऐसा नहीं होता ना, प्राण प्रतिष्ठा होती है। और जो प्राण प्रतिष्ठा है वो शास्त्रों में बताई गई है, ऐसा नहीं है कि भक्त लोग कोई मनमाने ढंग से प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, शास्त्र में बताई विधि। प्रभुपाद जी इसमें बहुत अच्छा एक एग्जांपल दे रहे हैं पोस्ट बॉक्स का। देखा है पोस्ट बॉक्स जिसमें लोग चिट्ठी डाल देते हैं, आपको हमें लखनऊ चिट्ठी भेजनी है, आपने लिखा, लिफाफा बंद किया, टिकट चिपकाया और एक पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। आपको विश्वास है कि हमने पोस्ट बॉक्स में डाला है, चिट्ठी लखनऊ पहुंच जाएगी, जिसको हम भेजना चाहते हैं वहां तक पहुंचेगी। आपने क्या किया, एक लोहे के लाल लाल डिब्बे में तो डाल दिया, और तो किया क्या, लेकिन वो डिब्बा कैसा है, पोस्ट ऑफिस का काम कर रहा है, वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा वो डिब्बा लगाया गया है, वहाँ से एक पोस्टमैन आता है और उसका टाइम बंधा हुआ है, उस टाइम पे आके डिब्बा खोलेगा, जितनी भी चिट्ठियाँ होंगी सबको उठाएगा और फिर बड़े पोस्ट ऑफिस ले जाएगा, वहाँ से एड्रेस देख देख करके अलग अलग शहरों में भेज दी जाएंगी ट्रेन से, और फिर वो चिट्ठियाँ वहाँ पे लखनऊ में कलेक्ट होंगी, फिर वहाँ पोस्टमैन जो है सबको बांट देगा। ठीक है, ये सिस्टम होता है। लेकिन अगर
इसका मतलब ये बड़ी पोस्ट ऑफिस होती है और ये जो छोटा पोस्ट बॉक्स है इसमें कोई अंतर नहीं। ऐसे ही गोलोक धाम में जो भगवान है और ये जो यहाँ मेरे घर में छोटे से लड्डू गोपाल हैं कोई अंतर नहीं। वो राधा कुंज बिहारी जो विहार कर रहे हैं वहाँ आनंद ले रहे हैं गोलोक धाम में, वो और मेरे लड्डू गोपाल दोनों एक पर्सन है, वो वही काम कर रहे हैं। वैसे ही वो कृपा कर सकते हैं, जब हम उनको दंडवत प्रणाम करते हैं तो ये जो जैसे पोस्ट बॉक्स पोस्ट ऑफिस का काम कर देता है, वैसे ही ये जो अर्चा विग्रह हैं ये गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण उनकी तरह कृपालु हैं, वो हमारे ऊपर कृपा करते हैं। अब अगर कोई ये सोचे कि पोस्ट बॉक्स तो लाल रंग का होता है, मैं वैसा ही एक लोहे का डिब्बा बनवा लेता हूँ, उतनी दूर तक कौन जाए पोस्ट बॉक्स में डालने के लिए, अपने घर में लगा देता हूँ उसको, उसी में चिट्ठियाँ डालता रहूँगा, पहुँचेगी चिट्ठी? वो नहीं पहुँचेगी। तो वो क्यों नहीं पहुँचेगी? क्योंकि वो प्रामाणिक नहीं है, वो पोस्ट बॉक्स पोस्ट ऑफिस द्वारा लगाया हुआ नहीं है, ये ऑथेंटिक नहीं है। तो मूर्ति पूजा तथा श्री विग्रहों की पूजा में यही अंतर है। जब तक हम अधिकृत विधि को स्वीकार नहीं करते प्रामाणिक विधि, तब तक वो मूर्ति पूजा कहलाएगी। ठीक है, एक विधि जो वेदों में बताई गई, स्मृति शास्त्रों में बताई गई, पुराणों में बताई गई और नारद जी ने अपने ग्रंथ नारद पंचरात्र में बताई कि हाँ ऐसे ऐसे करके भगवान की सेवा करनी है। तो अगर हम उस विधि से करेंगे तब तो हमारी पूजा क्या कहलाएगी? अर्चा विग्रह की पूजा कहलाएगी, और नहीं तो मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा से कोई लाभ नहीं होता है ना, मूर्ति पूजा करते रहो जैसे घर में पोस्ट बॉक्स बना करके चिट्ठियाँ डालते रहो, तो वैसे ही होती है मूर्ति पूजा। अगर हम विधि का पालन नहीं कर रहे हैं तो मूर्ति पूजा, इसका मतलब कि हमको जो प्रामाणिक विधि है उसको जानना पड़ेगा और जानने के बाद उसी हिसाब से करना पड़ेगा। हम घर में करते तो हैं लेकिन हम गोविंद जी के मंदिर क्यों जाते हैं? वहाँ पर जो गोसाई लोग हैं उन लोगों ने पूरा जीवन दे दिया उसी के लिए, उनका पूरा का पूरा लाइफ है ही किस लिए? राधा गोविंद की सेवा करने के लिए, पूरा जन्म दे दिया उन्होंने वहाँ पे। और वो प्रामाणिक विधि से करते हैं, हर चीज़ बड़े सिस्टम से होती है, समय से मंदिर खुलता है, समय से बंद होता है, जितनी बार भोग लगना है उतनी बार भोग लगेगा। गोविंद देव जी के मंदिर में तो वो कार्ड छपते हैं कि भाई इतने बजे मंगला होगी, इतने बजे संध्या होगी, सब आरतियों के टाइम फिक्स होते हैं, कितने बजे दर्शन खुलेगा, कितने बजे दर्शन बंद होगा, कितने बजे भगवान को आराम कराया जाएगा, सब चीज़ तो फिक्स है ना। तो बड़े विधि से नियम से वो लोग सेवा करते हैं, और वो विधि और नियम कोई उन्होंने अपने नहीं बना लिए हैं, जैसा जैसा नारद जी ने बताया है उसी के अनुसार वो लोग कर रहे हैं। इसलिए वो जो कर रहे हैं वो श्री विग्रह सेवा कर रहे हैं, और हम अगर विधि का पालन नहीं कर रहे हैं इसका मतलब हमारी मूर्ति पूजा हो रही है। तो हमें विधि को जानना होगा और विधि के अनुसार सेवा करनी होगी। विधि कोई कठिन नहीं है, अभी बताते हैं। तो हमारे दरवाजे पर लगा हुआ डिब्बा ऑथेंटिक नहीं होगा, उसमें से कोई पोस्टमैन नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा निकालने के लिए। हाँ, हम वही डिब्बा अगर पोस्ट ऑफिस में जाके दे दें कि आप इसको जहाँ चाहे लगा लो, वो लगाएंगे तो उसमें से पोस्टमैन जाके चिट्ठियाँ निकालेगा भी, वो पोस्ट ऑफिस का काम करेगा। यही है प्राण प्रतिष्ठा कि हम विधिपूर्वक चलें। इस प्रकार हमें अधिकृत विधि द्वारा श्री विग्रहों की पूजा करनी चाहिए। तो हमारे गौड़ीय संप्रदाय में
एक ग्रंथ है जिसमें सारी पद्धति का वर्णन किया गया है और उसका नाम है हरि भक्ति विलास। उसमें सारी विधि दी गई। वहाँ हर बात बताई गई है, विशेष रूप से एक वैष्णव परिवार को किस प्रकार धार्मिक अनुष्ठान करने चाहिए। यह पुस्तक वैष्णव स्मृति वर्ग में आती है। तो दो तरह के शास्त्र होते हैं, एक श्रुति शास्त्र एक स्मृति शास्त्र। श्रुति माने वेद और स्मृति माने जो वेदों के आधार पर रचे गए, वो स्मृति वेदों को स्मरण कर करके जो लिखा गया। और रूप गोस्वामी ने ये बात बिल्कुल क्लियर कह दी कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधिम बिना, चार ग्रंथों के नाम लिए उन्होंने, श्रुति श्रुति शास्त्र स्मृति शास्त्र और पुराण और पंचरात्र नारद पंचरात्र, इनके बिना श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधिम बिना एकांतिकी हरेर भक्ति, हम मनमाने ढंग से हरि भक्ति कर रहे हैं, किसी से कंसल्ट नहीं कर रहे हैं, हम सोचते हैं हम जो कर रहे हैं ठीक है। उत्पाता यही व कल्पते, ये क्या है? उत्पात है, ये डिस्टर्बेंस है, जो भी देखेगा वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। श्री भगवान की ऐसी भक्ति जिसमें उपनिषदों पुराणों नारद पंचरात्र की उपेक्षा की जाती है, उनको इग्नोर किया जाता है इन ग्रंथों को, वह केवल समाज में उत्पात मचाती है। देवर्षि नारद द्वारा दी गई पंचरात्र विधि विशेष रूप से इस कलयुग में एक छूट है, एक कंसेशन दिया भगवान ने, नारद जी ने, कि ठीक है आपकी योग्यता नहीं है, आप जन्म से क्वालिफाइड ब्राह्मण नहीं हैं, तो भी आप भगवान की सेवा कर सकते हैं, ये पंचरात्र विधि का पालन कीजिए, आप धीरे धीरे करके योग्य हो जाएंगे, फिर आप सेवा करिए। इसमें श्री विग्रह पूजा का वर्णन किया गया है। दो मार्ग हैं, एक वैदिक विधि दूसरी पंचरात्र विधि। तो वैदिक विधि जो है वो केवल क्वालिफाइड ब्राह्मण्स के लिए है, ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया उससे नहीं, पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मण के गुण जब तक नहीं आते हैं तब तक वो ब्राह्मण नहीं माना जाता। तो वैदिक विधि तो ब्राह्मणों के लिए है और हम तो अभी क्वालिफाइड ब्राह्मण है नहीं, तो अब हम क्या करें, हम कैसे करें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति स्वभाव से शूद्र है, कलौ शूद्र संभवाः, कलयुग में सभी शूद्र। क्यों शूद्र? क्योंकि वो लोग ट्रेनिंग लेते ही नहीं, वो कोई भी आध्यात्मिक प्रशिक्षण नहीं लेते, इसलिए वो जन्म से शूद्र थे और कोई प्रशिक्षण भी नहीं लिया, कोई ट्रेनिंग नहीं ली, तो जैसे थे वैसे ही रह गए, शूद्र थे शूद्र ही रह गए। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग लेते शास्त्रों के अनुसार तो ब्राह्मण बन गए होते, नहीं लिया। वास्तव में इस युग में कोई भी प्रामाणिक ब्राह्मण नहीं है, जन्म से कोई भी प्रामाणिक ब्राह्मण नहीं है। तो क्या पहले होते थे, जन्म से कोई ब्राह्मण होता था क्या? तो कह रहे हाँ, पहले के समय में सुयोग्य संतान को जन्म देने के लिए गर्भाधान संस्कार का कठोरता से पालन किया जाता था। गर्भ धारण करने से पहले भगवान का बहुत स्मरण करना चाहिए, पति पत्नी दोनों भगवान का नाम खूब जपें कि भगवान आपका भक्त ही हमारे घर में आए जो कि सुपात्र हो आपकी सेवा कर सके। ऐसी भावना से जब कोई संतान उत्पन्न करने के लिए प्रवृत्त होता है तो उसके घर में जन्म से ही ब्राह्मण पैदा होता है, बच्चा पैदा होगा ब्रिलियंट होगा, बिल्कुल
ब्रह्मनिकल क्वालिफिकेशंस उसके अंदर ऑलरेडी होंगी, उसको ज़्यादा ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ब्राह्मण पिता द्वारा उत्पन्न पुत्र को ब्राह्मण मान लिया जाता था पहले के टाइम में, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली गर्भाधान संस्कार को फॉलो करते थे। निस्संदेह सारे संस्कार होने के बाद ही उसे ब्राह्मण माना जाता था, फिर भी लोग उसके सारे संस्कार कराते थे, फिर भी उसकी ट्रेनिंग होती थी। ऐसा नहीं है कि जन्म से गर्भाधान कर दिया तो बस उसको ब्राह्मण समाज मान लेगा, फिर भी करते थे उसकी ट्रेनिंग। अभी तो जन्म से ब्राह्मण नहीं है और उसके बावजूद ट्रेनिंग भी नहीं है, दोनों ही चीज़ें मिसिंग हैं। परंतु वर्तमान युग में ऐसा व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ है जो जन्म से योग्य ब्राह्मण हो, और इसलिए हमें नारद पंचरात्र दिया गया है। ठीक है, हम जैसे तैसे पैदा हो गए, हम क्वालिफाइड ब्राह्मण नहीं हैं, लेकिन मेरा मन है कि हम ठाकुर जी की सेवा करें। तो अब हम कैसे सेवा कर पाएंगे, उसके लिए आपको एक ग्रंथ दिया गया नारद जी के द्वारा, नारद पंचरात्र, उसको आप पढ़िए। जैसे जैसे सेवा बताई जाए वैसे वैसे करिए। व्यक्ति को या तो श्रुति शास्त्रों के सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए और उसके बाद स्मृति और पुराण आते हैं, या फिर उसको नारद पंचरात्र विधि का पालन करना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि रबड़ की मोहर लगा देने से कोई भक्त नहीं बन जाता, कि किसी ने कह दिया कि नहीं आज चलो तुम भक्त हो, तो कह देने से कोई भक्त खड़ी हो जाएगा, उसके लिए तो आपको ट्रेनिंग चाहिए ना, क्वालिफिकेशन चाहिए। हम इस मंदिर में श्री विग्रहों की पूजा की स्थापना कर रहे हैं, परंतु वास्तव में श्री विग्रहों की पूजा प्रामाणिक ब्राह्मणों के द्वारा होनी चाहिए। भारत में जब गांधी ने कुछ लोगों पर हरिजन अथवा भगवान के लोग यह मुहर लगाई तो एक आंदोलन खड़ा हो गया। गांधी जी के टाइम में अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज लोग क्या करते थे, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। तो ये ऊंची जात है, ये नीची जात है, बड़ा भेदभाव उन्होंने खड़ा कर दिया। और गांधी जी ने इस भेद को मिटाने के लिए क्या कहा, जो भंगी लोग थे उन सबको कहा कि तुम लोग हरिजन हो, भंगियों को हरिजन कह दिया। हरिजन का मतलब तो वैष्णव होता है, हरि का जन है, तो भंगी कैसे हरिजन हो गया। अब गांधी जी ने कह दिया, गांधी जी बड़े आदमी थे, चलो भाई उन्होंने कह दिया तो इसके हरिजन हो जाएगा। ऐसे थोड़ी कोई हरिजन होता है, बिना ट्रेनिंग के हरिजन हो जाएगा, हरिजन तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, हाँ हम भी हरिजन है, हम भी हरिजन है, सब भंगी लोग सब इकट्ठा हो गए। अंग्रेजी सरकार जाति के आधार पर भेदभाव कर रही थी, ऊंची जात नीची जात। अब गांधी ने सोचा मैं भंगियों को हरिजन अर्थात महान भक्त बना देता हूँ। परंतु केवल रबड़ की मोहर लगाना, ये रबड़ की मोहर लगाना हो गया ना कि हाँ आज से आप हरिजन हैं, केवल रबड़ की मोहर लगा देने मात्र से कोई हरिजन अर्थात महान भक्त नहीं बन जाता, यह संभव नहीं है। पंचरात्र की विधि का पालन किए बिना एक अपवित्र शराबी अथवा बुरी आदतों वाले व्यक्ति को हरिजन कैसे कहा जा सकता है, उसकी तो आदतें बुरी लगी पड़ी हैं, ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, उसको हरिजन कह रहे हो आप, चूंकि भंगी है इसलिए। तो ऐसे भक्त नहीं बनते। भक्त कैसे बनते हैं, ट्रेनिंग, और वो भी कौन सी ट्रेनिंग, शास्त्रों से। कौन सा शास्त्र, नारद पंचरात्र। तो हम यहाँ जो कर रहे हैं वह रबड़ की मुहर नहीं है, हम वास्तव में पंचरात्र की विधि द्वारा प्रशिक्षण दे रहे हैं। हम अपने शिष्यों को ब्राह्मण बनने का प्रशिक्षण दे रहे हैं, वे चार पाप कार्यों से दूर रहते हैं, कोई नशा नहीं करते, चाय भी नहीं पीते,
और किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करते, प्याज लहसुन तक नहीं खाते भक्त लोग, इन सब लोगों ने सब छोड़ दिया है। तो बाकायदा ट्रेनिंग हो रही है ना, विधि पूर्वक सब आगे बढ़ रहे हैं, और झूठ नहीं बोलना ये भी ब्राह्मण का गुण होता है, ब्राह्मण सत्यवादी होता है, डरता नहीं है, भगवान साथ में है, डरने कौन सी बात है। अगर कोई गलती हो भी गई है तो झूठ बोलने का क्या मतलब है, सच बोलना चाहिए। और नियमित रूप से स्नान करना, इस तरह के बहुत हल्के फुल्के नियम हैं, कोई बहुत बड़े बड़े नियम नहीं है, बल्कि झूठ बोलने में बहुत दिमाग खर्च होता है ना, बातें छुपा, एक झूठ के लिए 100 झूठ और बोलो, हाँ मैनिपुलेट करते रहो अंदर से कि कहीं पकड़े ना जाए, तो होना चाहिए उसके लिए। हाँ वही चीज़ है ना, तो ब्राह्मण बनना बल्कि ईजी है, जैसे हैं वैसे के वैसे सामने प्रेजेंट कर दो अपने आप को। और सबसे महत्वपूर्ण क्या करते हैं वो लोग, सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सब जप कर रहे हैं, बच्चे भी जप कर रहे हैं। तो ये है ट्रेनिंग। अरे अभी संकल्प करिए और छोड़ दीजिए, बस आज के बाद से चाय नहीं पियेंगे, ख़त्म बात हो गई। हाँ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फिर हम भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे। अगर हाँ उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी जगह दूध पी लीजिए। हाँ कॉफ़ी नहीं है, हाँ नहीं, हाँ। और प्रभुपाद कह रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण है भगवान का नाम लेना। अगर आपको क्वालिफाई होना है भगवान की सेवा के लिए, नाम लेना शुरू करिए। जितना आप नाम लेते जाएंगे आपके अंदर बल आएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें चाय और प्याज लहसुन सब छोड़ने का ताकत अपने आप नाम से आती है। हमको पता भी नहीं चलता है कि नाम कैसे अपना कार्य करता है, लेकिन ये हरि नाम बहुत पावरफुल है। जब तक देखिए भगवान से प्रेम है, मान लो जिससे प्रेम है वो चाहता है कि तुम ये नशा छोड़ दो, तुम क्यों नहीं छोड़ देंगे। जब तक प्रेम में कमी है तभी तक हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाते। नाम जपते जपते प्रेम होगा, और प्रेम होगा तो फिर हम तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ग्वाल बाल थे ना, तो एक बार वो खेल रहे थे, वो बछड़े चराने के लिए ले जाते थे, तो वृंदावन में वो आ गया एक बार अघासुर। अघासुर तो अजगर था बहुत बड़ा, इतना बड़ा मुंह खोला उसने कि नीचे वाला जबड़ा जमीन पे तो ऊपर वाला बादलों के ऊपर निकल गया। अब सब ग्वाल बाल जो हैं वो खेल रहे हैं, अरे ये आज ये नई गुफा कहाँ से दिखाई दे रही है, इतनी बड़ी गुफा, चलो चलो अंदर चलते हैं देखते हैं। एक ने कहा नहीं, बड़ी अजीब सी बदबू आ रही है, मांस की महक आ रही है, तो ये कहीं कोई राक्षस तो नहीं है। उन्होंने कहा राक्षस होगा तो क्या होगा, वो कृष्ण है ना, वो हमारी रक्षा करेगा, तो चलो हम लोग चलते हैं अंदर। इतना विश्वास भगवान पर, हम सब अंदर एंटर कर गए। इतने बड़े बड़े खतरे, क्योंकि कृष्ण से प्रेम है, कृष्ण पर विश्वास है। वो प्रेम और विश्वास वो कोई भी रिस्क लेने के लिए आपको तैयार कर देता है, एकदम निडर हो जाता है व्यक्ति, और ये प्रेम में तो कुछ भी कर सकता है व्यक्ति। पहले स्त्रियां कैसे कैसे सती हो जाती थी, पति का देहांत हो गया साथ में दाह संस्कार, उनको तो वो अग्नि ऐसी शीतल लगती थी कि पति के बिना जीवन कैसे होगा, मेरा संभव ही नहीं है, हम कैसे जी पाएंगे। वो जीवन जो है वो इस इन आग की लपटों से भी ज़्यादा भयंकर होगा, इसलिए इस भावना से उनको वो लपटे कुछ लगती ही नहीं थी। तो प्रेम है तो आग की लपटे भी शीतल लग रही हैं, प्रेम नहीं होगा तो फिर हम छोटी छोटी बातों में भी अटक जाते हैं। इसलिए खूब नाम जप करिए, आपके अंदर पावर आ जाएगी। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है इस ट्रेनिंग में, भगवान का नाम लेना। आ
आप बुरी आदतों से ग्रस्त किसी भी योग्यता विहीन व्यक्ति को पकड़कर उसे रबड़ की मोहर के द्वारा हरिजन नहीं बना सकते। इसकी एक विधि होती है। कोई भी व्यक्ति हरिजन या भगवान का भक्त बन सकता है। ऐसा नहीं है कि भंगियों को अधिकार नहीं है भक्त बनने का, सब भक्त बन सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। जिस प्रकार गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, गवर्नमेंट जॉब किसको नहीं मिल सकती है? हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। बस ये है कि उस जॉब के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपको गेन करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, है ना। हम उतने क्वालिफाइड होंगे तो हमको वो जॉब मिलेगी। तो जिस प्रकार सरकारी सेवक होते हैं इसी प्रकार भगवान के सेवक होते हैं। जब सरकारी सेवक बनने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए तो भगवान का सेवक बनने के लिए क्या कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, है ना। तो भगवान का सेवक बनना तो कोई साधारण बात है नहीं, तो बहुत बड़ी बात है। तो प्रामाणिक विधि द्वारा हरिजन बनाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन केवल कह देने मात्र से गांधी की तरह कोई हरिजन नहीं हो जाएगा। भगवद गीता में कहा गया है कि सबके पास भक्त बनने का समान अवसर है, सबको चांस देते हैं भगवान, बहुत दयालु हैं। कह रहे हैं माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रा ते अपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, मेरा आश्रय लेने वाला चाहे स्त्री हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे निम्न जाति का हो, वह अपने जीवन की परम गति को प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसको करना क्या होगा, मेरा आश्रय लेना होगा। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, व्यपाश्रित्य माने आश्रय लेना। पूर्व जन्म में पाप कर्म के कारण व्यक्ति को निम्न जन्म या पशु जन्म मिलता है। कोई जीवात्मा पशु योनि में क्यों चला है? कोई कुत्ता बन जाता है, कोई सुअर बन जाता है, ऐसा क्यों? पिछले जन्म में पाप किए जब मनुष्य था तो उसने पाप किए, और जब पाप किए तो अब उसको जानवर बनना पड़ता है। पाप का मतलब क्या? पाप का मतलब भगवान की बात नहीं मानना, बस। भगवान ने जो गीता में कहा है उसको अगर हम नहीं मान रहे, यही पाप है। परंतु श्री कृष्ण इस पर अधिक ध्यान नहीं देते कि कौन शूद्र का जन्म लिया है, किसने स्त्री का जन्म लिया है, कौन वैश्य है, क्या है। मेरी शरण में आया है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। फिर चाहे गिद्ध हो, जटायु हो, चाहे रीच के रूप में कौन थे, गजराज हैं, है ना। वो तो मनुष्य भी नहीं, पशु योनि में थे, उन्होंने भी भगवान की स्तुति की, गजेंद्र ने स्तुति की, भगवान आ गए। भगवान को सबसे प्रेम है, सब उनके बच्चे हैं। तो प्रामाणिक पद्धति द्वारा पापी परिवार में जन्मा व्यक्ति भी कृष्ण का भक्त बन सकता है। व्यपाश्रित्य, इसको समझना पड़ेगा अच्छी तरह से। व्यपाश्रित्य का क्या मतलब है? व्यपाश्रित्य का मतलब है जो प्रामाणिक पद्धति है, जैसे नारद पंचरात्र में जैसे जैसे विधि बताई गई भगवान की सेवा की, नाम जपो, स्नान करो, कभी भी टॉयलेट गए तो बाहर ऐसे नहीं आ जाना है, स्नान कर लेना चाहिए उसी समय, तो भगवान की सेवा में ऐसे अशुद्ध अवस्था में नहीं जाना चाहिए, और अशुद्ध अवस्था में भगवान का भोग भी नहीं बनाना चाहिए, इवन भक्तों को भी सर्व नहीं करना चाहिए, कई सारी बातें हैं। तो वो जो जो बताया गया है उस प्रामाणिक विधि को पालन करना। तो अगर आप विधि का पालन कर रहे हैं इसका मतलब आप भगवान के शरणागत हैं, ठीक है। भगवान कहते हैं तुम मेरी सेवा करना चाहते हो, ठीक है, मैं तुमको बता रहा हूँ ऐसे ऐसे करो, आ जाओ मेरे पास। और हम कह रहे हैं नहीं, हम ऐसे ऐसे तो नहीं करेंगे, हम तो आए वैसे ही, हमको बुलाना हो तो बुलाओ। तो भगवान कहते हैं हमको कोई आवश्यकता नहीं है नौकरों की, हम ऐसे ही आनंद में हैं। भगवान तो सच्चिदानंद हैं खुद ही, उनको वो किसी पर डिपेंड थोड़ी है कि हम सेवा करेंगे तो उनको आनंद मिलेगा, वो तो वैसे ही आनंद में है। उनको आनंद देने के लिए तो अनंत गोपियाँ हैं, राधा रानी हैं,
उनको कौन से वहाँ सेवकों की कमी रखी है। ये तो मेरा लाभ है कि हम उनके सेवक बने, उनका कोई लाभ नहीं है। फिर भी वो खुश होते हैं, ये कितनी बड़ी बात है। परंतु श्री कृष्ण इस पर अधिक ध्यान नहीं देते कि कौन किस जाति का है। प्रामाणिक पद्धति द्वारा पापी परिवार में जन्मा व्यक्ति भी कृष्ण भक्त बन सकता है। व्यपाशित्य अर्थात प्रामाणिक पद्धति का आश्रय लेना। आ गया व्यपाशित्य समझ में? आ गया सही विधि का पालन करना। आप नारद जी इतने बड़े भक्त हैं, सबको भक्त, उनके शिष्य देखिए कैसे कैसे हैं, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, वाल्मीकि, मृगारी, कौन उनका भक्त नहीं है, सब उनके शिष्य हैं, इतने इतने क्वालिफाइड लोग। तो प्रामाणिक विधि का पालन करेंगे तो हम भगवान की शरणागत कहलाएंगे, और अगर हमने अपनी विधि बना ली है तो हम शरणागत नहीं हैं। हम कहेंगे नहीं, मेरे भगवान तो चाय भी पीते हैं, मेरे भगवान तो कॉफ़ी भी खा पी लेते हैं, तो फिर भगवान आपका कुछ भी नहीं लेते हैं, ये बात आपको पता ही नहीं है। नहीं नहीं, प्यार से दो तो भगवान सब कुछ ले लेते हैं, शबरी के झूठे बेर खा लिए। शबरी क्या अवस्था थी अभी तो देखो, इतनी छोटी सी लड़की थी जब उसकी शादी होने जा रही थी, तब से लेकर के वो घर छोड़ के चली गई, क्योंकि उसकी शादी वो भील जाती की थी, और उनके जो माता पिता थे वो जो हैं खूब सारे बकरे और मुर्गे सब ले लेकर के आ रहे थे, और भील जाती के लोग तो सब जानवर वानवर सब खाते हैं। तो भाई, तो उसने पूछा, लड़की ने, शबरी जब छोटी सी थी, उसने पूछा कि भाई ये सब क्या है, ये पिताजी ये सब क्या ला रहे हो, बकरा मुर्गा सब घर के अंदर। तो कहने लगे कि अरे तुम्हारी शादी होने जा रही है ना, तो उत्सव होगा, उसमें सब जो है सब लोगों को ये सब खिलाया जाएगा। उसने कहा अरे बाप रे बाप, मेरी शादी होगी और इतना पाप किया जाएगा घर के अंदर, घर छोड़ के ही चली गई और मतंग मुनि के आश्रम में पहुँच गई। वहाँ आश्रम में जा कर के एक कुआं था, उसको प्यास लगी थी तो कुएं से जल निकालने लगी। तो कुछ ब्राह्मण लोग आ गए, जो जन्म से ब्राह्मण वाले अभिमानी, वो कहने लगे अरे अरे ये क्या है, शूद्र ने इसको छू दिया, ये हो गया वो हो गया। तो जब उसको भगा दिया वहाँ से, उसके बाद ब्राह्मण लोग जब पानी भरने लगे तो सब कीड़े कीड़े भर गए थे कुएं के अंदर। उसके बाद सारी बात पता चली गुरु जी को, उन्होंने कहा कि अरे यहाँ किसी का अपमान हुआ है, किसी भक्त का। तो बोले किस भक्त का अपमान हुआ, तुम लोग ने क्या किया है, शिष्यों से पूछा। उन्होंने कहा एक स्त्री आई थी, शूद्र स्त्री, वो पानी भर रही थी, हमने उनको मना कर दिया। बोले वो राम की भक्त है, उसको पहले पानी भरने दो, उसके बाद देखना सब सही हो जाएगा। तब उसको जा करके हाथ पैर जोड़ करके लेके आए, उसने जब उसमें से पानी पिया तब जाके वो सही हुआ, पानी एकदम मीठा अमृत जैसा हो गया। फिर मता मुनि ने उनसे कहा कि तुम जो है इस आश्रम में रुको, मेरे जाने के बाद तुम यहीं रहना, यहीं पर राम आएंगे तुम्हारे पास। बुढ़ी हो गई इंतजार के, तो रोज़ फूल बिछाती, रोज़ फल मीठे मीठे ला के रखती कि राम आएंगे खाएंगे, कहीं खट्टा फल ना हो जाए उनके लिए। भावना में वो ये भूल जाती। देखिए भाव में अगर कोई विधि भूल जाता है तो एक अलग बात है, लेकिन हम ऐसे ही कहने नहीं, शबरी ने तो झूठा खिला दिया था, मेरा भी झूठा है, भगवान खा लेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। हमको तो विधि पालन करनी पड़ेगी। शबरी की कौन सी अवस्था थी, मेरी कौन सी अवस्था है, हमारे हाथ से हम शुद्ध चीज़ दें बिना झूठा दें वही खा लें, बहुत बड़ी बात हो गई है कि नहीं। एक बार भगवान हमारे हाथ से लेकर के खा लें तो समझ लिया आपका जीवन सफल हो गया। तो प्रामाणिक पद्धति का आश्रय लेना, यही है शरणागति। किसी काल्पनिक पद्धति का नहीं कि हमने इमेजिन कर लिया कुछ और हमने वो प्रोसेस फॉलो करना शुरू कर दिया। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधिम, ये चार ग्रंथों के नाम ले रहे हैं बार बार प्रभुपाद जी, श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्र, चार। वैदिक पद्धति के अनुसार ब्राह्मण परिवार में जन्मे लड़के को सभी संस्कारों की अनुमति होती है,
ब्राह्मण के, कि यहाँ लड़का पैदा हुआ तो उसके सारे दस संस्कार होते हैं, सब होंगे, जनेऊ संस्कार होगा, वो स्त्रियों का तो होता नहीं है ना, और गुरु के अपने यहाँ जाएगा, दीक्षा लेगा, स्त्रियाँ तो घर में माता पिता ने जो सिखा दिया वही उनके लिए हो जाता है। आजकल तो कुछ गुरु लोग दीक्षा देने लग गए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो वैदिक पद्धति के अनुसार लड़कों के तो सारे संस्कार होते हैं, लेकिन लड़कियों के सारे संस्कार नहीं होते, कुछ होते हैं, जात कर्म संस्कार होता है, और नामकरण संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है, अंतिम संस्कार होता है, दस संस्कार होते हैं, उसमें से कुछ तो दोनों के ही होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो लड़कों के ही होते हैं। खाली क्यों लड़कियों के क्यों नहीं होते? क्योंकि लड़की को अपने पति का अनुगमन करना होता है, उसको अगर हमने ब्राह्मण बना भी दिया संस्कार करा करके, और पता लगा कि किसी क्षत्रिय से शादी हो गई, तो अब उसको तो क्षत्राणी बन के रहना पड़ेगा ना, वहाँ दिखाएगी नहीं हम तुमसे ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, तो फिर तो घर चलेगा नहीं, तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो उसको अपने पति का ही अनुगमन करना होता है, इसलिए यदि उसका पति ब्राह्मण है तो वो अपने आप ब्राह्मण ही हो जाती है, वैष्णव है तो वैष्णवी हो जाती है, उसे अलग से संस्कार की आवश्यकता नहीं होती। और यदि संयोग से उसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हो जाता है जो ब्राह्मण नहीं है, तो फिर उसे ब्राह्मण बनाने से क्या लाभ, उसको फॉलो तो उसी को करना पड़ेगा, ब्राह्मण होकर के भी फॉलो पति को ही करना पड़ेगा। इसलिए ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने पर भी स्त्री को स्त्री ही माना जाता है, उसको ब्राह्मण नहीं मानते, क्योंकि पता नहीं किससे विवाह होगा। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि इससे अंतर नहीं पड़ता, वह स्त्री है या शूद्र है या वैश्य है या अन्य किसी जाति से है, भले ही उसका जन्म किसी भी परिवार में क्यों ना हुआ हो, कृष्ण भावना की प्रामाणिक पद्धति का पालन करने से उसके लिए वैकुंठ के दरवाजे खुले रहते हैं। और क्या चाहिए, भगवान का नाम लो, वैकुंठ का दरवाजा आपके लिए खुला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, ये हैं भगवान हमारे, बहुत दयालु। कृष्ण भक्ति इतनी सुंदर है, यह सभी के लिए सर्वोच्च पूर्णता के द्वार खोल देती है। अब इससे ज्यादा और आदमी क्या करेगा, भगवान के धाम जा सकता है, किंतु इसके लिए व्यक्ति को नियमों का पालन करना होता है, नियमों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। भगवान के और भगवान के शुद्ध भक्तों के बनाए हुए नियम, वो हमको गाइड करने के लिए बनाया है कि देखो ऐसे से करोगे भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे तुमसे, बस यही एक शर्त है कि नियम पालन करना पड़ेगा। अन्यथा यदि किसी की नकल करके मैं सोचने लगूं कि इस प्रकार मैं महान भक्त बन सकता हूं, यदि अमुक व्यक्ति महान भक्त बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, नकल करते हैं, पिताजी डॉक्टर हैं तो वो भी सफ़ेद कोट पहन करके और आला वाला लगा करके कहता है मैं भी डॉक्टर हूँ, चेक करता फिरता सब, उसको मालूम नहीं है कि मीटर में क्या दिखा रहा है, ब्लड प्रेशर कितना है, लेकिन वो करता है। ऐसे ही भक्ति में भी करते हैं बच्चे, जैसे मोनिश कहता है मैं भी तुलसी आरती उतारूंगा, वो तुलसी आरती उतार रहा है, ठीक है। तो अब एक प्रभुपाद जी भी तुलसी आरती करते हैं और मोनिश भी कर रहा है, अंतर है कुछ, बहुत बड़ा अंतर है। प्रभुपाद जी की क्या भावना है उस तुलसी के प्रति, अभी उसकी भावना उतनी विकसित नहीं हुई है, वो अभी नकल कर रहा है कि हाँ बड़े लोग जैसे कर रहे हैं चलो हम भी वैसे करते हैं, है ना, लेकिन वो जो फीलिंग्स हैं वो डेवलप होंगी धीरे धीरे, यही करते करते एक दिन डेवलप हो जाएंगी। तो नकल करने से कि ये महान भक्त है तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ, मैं भी ऐसे ऐसे करूँ, आरती उतारना है कौन नहीं कर सकता है, अगरबत्ती लिया ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाना है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, सब कर सकते हैं, वही चीज़ प्रभुपाद जी करते हैं तो उनके आंसू गिरते हैं और हमारे कुछ नहीं होता। वही जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करके चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो जाते हैं, और एक नास्तिक जाता है देखता है अरे लकड़ी की मूर्ति देखने के लिए इतने लाखों लोग क्यों आए हैं, लाखों लोग
पागल है लोग। हाँ, इतना कष्ट सह करके, इतनी भीड़ धक्का मुक्की सब सह करके, सिर्फ जगन्नाथ जी की गोल गोल आंखें दिखाई पड़ गई, बस हृदय में प्रसन्नता नाचता हुआ आ रहा है कि हमने भगवान दर्शन पा लिए। एक वो है, दूसरा कह रहा है लकड़ी की मूर्ति देखने के लिए क्यों आए लोग। उसके लिए हमेशा भगवान लकड़ी की मूर्ति बने रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि लकड़ी थोड़ी कुछ करती है। और जो ये सोचता है कि नहीं भगवान है, ये तो सब कुछ कर सकते हैं, सर्वशक्तिमान है, तो वो फिर सब कुछ करेंगे उसके लिए। ये हमारी फीलिंग्स हैं। तो नकल करके भक्त नहीं बनाया जा सकता, विधि का पालन करके भक्त बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो वही विधि, अब विधि में आ गए हैं सब बच्चे, क्या नहीं खाना है सब छोड़ दिया है, अब नाम जप करना है वो जप करने लग गए हैं, धीरे धीरे एडवांसमेंट हो रहा है, यूनिफाइड हो जाएंगे, एक दिन ठाकुर जी के साथ खेलेंगे, है कि नहीं। और क्या, गोलोक धाम में भगवान के साथ में सब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों। इस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी ने इसी मानसिकता के प्रति सचेत किया है कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि, विधि के बिना कुछ मत करो, नहीं तो उत्पात हो जाएगा। आजकल देखिए मंदिरों में, हमने देखा है लखनऊ में बहुत से मंदिर ऐसे हैं कि पुजारी जो है तंबाकू खा रहा है, उसके बाद किसी ने कहा ये भोग लगा दीजिए, अब वो भी ड्रेस से देख रहा है, बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो भी खाली ड्रेस देखते हैं कि गेरुआ कपड़ा पहने हैं, दाढ़ी बढ़ाए हुए है, तिलक लगाए हुए हैं, हाँ भाई ये तो भक्त है, अब वो भोग लगाएगा, वो मसाला अंदर ही पड़ा हुआ है, वो जा रहा है भोग लगा रहा है, विधि का पालन नहीं है। तो फिर वो मूर्ति पूजा है, भगवान कुछ ले नहीं रहे, वो अपने घर में लगाया हुआ पोस्ट बॉक्स है, उससे चिट्ठी जावा नहीं रही है, लेकिन बस दिख रहा है कि हाँ पोस्ट बॉक्स में डाल दी हमने, उसको खुद को ऐसा लग रहा है बस। तो केवल नकल करने से लाभ नहीं होगा, इसलिए नकल ना करें, सरल नियमों का पालन करें। अब चाय नहीं बनाना, नहीं पीना है तो ये तो कितना सरल हो गया, और रोज रोज बैठ करके ये डालना वो डालना, दुनिया सुबह सुबह बैठ करके पीना है, एक हाथ में अखबार ले लिया, दूसरे हाथ में चाय ले लिया, बस विद्वान बन गए, वो वेद की जगह वो उठा गया अखबार और चरणामृत की जगह चाय। वो हितकर नहीं है, इसलिए नकल ना करें, सरल नियमों का पालन करें। यह पद्धति अत्यंत सुंदर है, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें 16 माला कम से कम, तो आप शुद्ध होने लगेंगे। शुद्ध हुए बिना आप राधा कृष्ण का स्पर्श भी नहीं कर सकते, सेवा क्या करेंगे, छू भी नहीं सकता कोई। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा पर जा रहे थे तो एक ब्राह्मण था, उसने इनवाइट किया महाप्रभु को कि आप आइए हमारे यहाँ प्रसाद लीजिएगा। महाप्रभु जब उसके यहाँ गए तो देखा वो रो रहा है बैठ करके, और उसने कुछ भी नहीं व्यवस्था की थी, न तो भिक्षा करके लाया था कुछ, और ना तो कुछ बना रहा था, केवल रो रहा था। महाप्रभु ने कहा क्या हो गया, बोले सीता जी को रावण ले गया। अब वो उस भाव में है कि सीता जी को रावण ले गया है और उसको रोना आ रहा है, अब वो खाना नहीं अच्छा लग रहा है, बनाना नहीं अच्छा लग रहा है, कुछ उसको अच्छा नहीं लग रहा है, भगवान को इनवाइट कर रखा है। ये दशा है, भाव में है वो। तो महाप्रभु ने उसको समझाया कि वो असली सीता को नहीं लेके गया, वो छाया सीता को लेकर के गया रावण। जब तक कोई भक्त नहीं बन जाता है तब तक वो सीता जी को छू पाएगा, सवाल ही नहीं है। तो वो दक्षिण भारत की और यात्रा पर जब गए तो वहाँ से एक शास्त्र में से नोट करके ले करके आए उसके लिए कि देखो इस ग्रंथ में कुर्म पुराण में लिखा हुआ है कि रावण जो है छाया सीता को लेकर के गया, पहले वो सीता अग्निदेव ने रख ली अपने पास जो ओरिजिनल वाली थी, है ना, मूल सीता को अग्निदेव ने अपने पास सुरक्षित रख लिया और छाया सीता को प्रकट करके दिया, तो वो तो माया को लेके गया, असुर के पास कहाँ भगवान की आलादनी शक्ति जाएगी।
तो महात्मा लोग आश्रय लेते हैं उसका, महात्मा नस्तु महापार्थ दैवी प्रकृति माश्रिता, और ये तो टच भी नहीं कर सकता। तब उसको बड़ी सांत्वना मिली कि हाँ मेरी सीता मैया को रावण ने छुआ भी नहीं। अब उसने कहा अब हम बनाते हैं खिलाए, बड़े उत्साह से उसने बना बना के महाप्रभु को खिलाया पिलाया। तो शुद्ध हुए बिना आप राधा कृष्ण का स्पर्श नहीं कर सकते। वेदों में कहा गया है कि ब्रह्म हुए बिना आप ब्रह्म के पास नहीं जा सकते, अग्नि बने बिना अग्नि में प्रवेश नहीं कर सकते, अन्यथा तापमान में अंतर के कारण आप जल जाएंगे। यहाँ अग्नि है, जिस समय यज्ञ कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा समारोह चल रहा है अमेरिका में, तो उस अग्नि की ओर संकेत करके कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे अग्नि है और मैं तपन का अनुभव कर रहा हूँ, गर्म लग रही है हमको, परंतु अग्नि की लपटों को तपन का अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि अग्नि की लपटें खुद गर्म है, हम तो उसके कंपैरिजन में ठंडे हैं इसलिए हमको गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन वो लपटें थोड़ी कह रही हैं कि आग बड़ी गर्म है। हम कह सकते हैं लपटों को तपन का अनुभव नहीं होता, क्योंकि वो दोनों का तापमान एक है। इसी प्रकार ब्रह्म हुए बिना, स्वयं को समझे बिना, आत्म साक्षात्कार किए बिना, सेल्फ रियलाइजेशन उसको किए बिना आप भगवान की सेवा कर ही नहीं सकते। श्री कृष्ण परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, इसलिए आपको शुद्ध होना पड़ेगा। वो परम ब्रह्म है तो हमें भी ब्रह्म होना पड़ेगा, अन्यथा आप श्री कृष्ण का स्पर्श भी नहीं कर सकते, यह संभव नहीं है। वे अग्नि हैं और आपको अग्नि बनना होगा, और अग्नि किस प्रकार बना जाता है, आप भी अग्नि हैं ऑलरेडी, हम सब तो ब्रह्म ही है ना, है ना, आत्मा है, भगवान के अंश हैं, तो हमारे जो गुण हैं वो भगवान जैसे ही तो हैं, बस ये है कि भगवान सागर हैं तो हम बूंद हैं, बस इतना ही अंतर है। तो वे अग्नि हैं और आपको अग्नि बनना होगा। फिर प्रभुपाद कह रहे हैं कि अग्नि किस प्रकार बना जाए, तो कह रहे हैं आप ऑलरेडी अग्नि हैं, लेकिन अभी आप कैसी अग्नि हैं, कवर्ड, एट प्रेजेंट वी आर कवर्ड फायर, हम ढकी हुई अग्नि हैं। आप भौतिक शरीर के द्वारा ढके हुए हैं, ये भौतिक शरीर है, अंदर आत्मा है, तो आत्मा इतना मोटा कवर है, आत्मा तो इतनी सी है, बाल की नोक के ऊपर 10,000 आत्मा आ जाएं, इतनी छोटी सी एक आत्मा होती है, तो ढकी हुई अग्नि। इसलिए अब ये ढक्कन के ये कैसे कवर हटेगा, इसलिए आपको संस्कारों के द्वारा अपने शरीर को आध्यात्मिकृत करना होगा, इस बॉडी को स्पिरिचुअलाइज करना होगा, कैसे, संस्कार के द्वारा। जैसे लोहे की छड़ को आग में डालते हैं तो क्या होता है, पृथ्वी लोहे की छड़ है, उसको हमने आग में डाल दिया, पहले तो वो ठंडी थी, अब क्या हुआ, गर्म हो गई, और देर तक रखे ना तो कैसी हो जाएगी, लाल हो जाएगी, जैसे आग है वैसा ही कलर ले लेगी वो, तो आग की सारी क्वालिटीज़ आ जाएंगी, आप कहीं छुआ हो तो जला देगी जैसे आग जलाती है। तो उसने किया क्या, उसने आग का एसोसिएशन किया, आग के साथ रही तो आग हो गई, ऐसे ही हम भक्तों के साथ रहेंगे तो भक्त हो जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, भगवान की सेवा में रहेंगे तो हम भी स्पिरिचुअलाइज हो जाएंगे। बस कैसे रहना है भगवान के साथ, हमेशा भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हर समय नाम लेते रहो। अब हम रॉड को अगर डालें फिर निकाल लें, फिर डालें फिर निकाल लें, ऐसे करते रहें तो गर्म होगी, हल्की गर्म होगी, उसका थोड़ा प्रभाव होगा, है ना, बार बार ठंडी होती रहेगी, इसलिए लगातार डाल के रखो। कीर्तनीय कीर्तनीय सदाहरी का मतलब रॉड को लगातार आग में डाल के रखो, फिर जिसको छुएंगे
वो भी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु किसी को बस देख लेते थे उसके आंसू निकलना और भाव दशा को प्राप्त सीधा, ये होता है फर्क। और हम बार बार रॉड को निकाल रहे हैं रख रहे हैं तो अब हम कुछ कहते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये है। तो प्रभाव नहीं पड़ता वो मेरी गलती है कि चूंकि हमने अपने अपने आप को भगवान के और भक्तों के साथ नहीं रखा, इसलिए मेरी बात में वो दम नहीं आ रहा है जो दूसरे को प्रभावित कर दे, ये चीज। तो हमें हमेशा कृष्ण भावना की अग्नि में रहना होगा, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। और ये जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो मूर्ति पूजा रह जाएगी, वो श्री विग्रह पूजा नहीं होगी, ठीक है। हम इतनी मेहनत भी करें, पूरी ज़िंदगी भी लगाएं और विधि का पालन नहीं किया तो मूर्ति पूजा, घर में लगे हुए पोस्ट बॉक्स की तरह चिट्ठियाँ इकट्ठी होती जा रही हैं, जा कोई नहीं रही। और जब आप विधि से कर रहे हैं भगवान आपसे बात करेंगे, बहुत से भक्तों से भगवान ने बातें की हैं। तो यही मूर्ति पूजा और श्री विग्रह पूजा का अंतर है, क्या है? विधि का पालन। पूजा अर्चना में यदि कोई प्राण नहीं है तो वह मूर्ति पूजा है। हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना, कैसे करते हैं? भगवान का नाम जप करके, खूब कीर्तन करो, 4-5 घंटे सब बहुत सारे भक्त बुला करके और कीर्तन करो। भगवान ने क्या कहा है? नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये च न, वहाँ योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। यत्र गायन्ति मद भक्ता, जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहीं पर रहता हूँ। तो अब जब भक्त लोग कीर्तन करेंगे तो भगवान वहाँ उपस्थित हो जाएंगे, हो गई प्राण प्रतिष्ठा। और फिर वो एक बार स्टार्ट हुआ तो हमेशा चलेगा, जैसे मंगल आरती यहाँ स्टार्ट हो गई अब वो चलती रहेगी, तो प्राण उसमें रहेंगे हमेशा। और जिस दिन ये सेवा पूजा बंद तो भगवान स्वतंत्र हैं, चले जाएंगे, है ना? ये है उनको, हाँ नहीं होना भी नहीं चाहिए, यही तो है आपके जो अनमोल रत्न है ये सब क्या करेंगे, आगे चल के यही सब करेंगे, बस इनको ट्रेनिंग देते रहिए इसी तरह से। तो मूर्ति पूजा और श्री विग्रह पूजा, इसका डिफरेंस आ गया ना, क्लियर हो गया ना? तो पूजा अर्चना में यदि कोई प्राण नहीं है तो वो मूर्ति पूजा है, और यदि प्राण है, प्राण का मतलब हम पूजा कर रहे हैं, हमारी पूजा में प्राण है कि नहीं है, अभी हम कैसे जाने कि प्राण है कि नहीं है? भावना, आपकी जो भावना है वही इस पूजा का प्राण है। हमारी भावना नहीं है, केवल हम फॉर्मेलिटी में कोई चीज़ कर रहे हैं तो फिर भगवान स्वीकार करने वाले नहीं हैं। ऐसे तो दुर्योधन ने भी बहुत अच्छी अच्छी ऑफरिंग की थी, 56 भोग भगवान को ऑफर किए और बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके बुलाया भी, लेकिन भावना क्या थी? कृष्ण को अपनी तरफ मिला लें ताकि पांडव हमसे युद्ध में हार जाएं, ये कपट था मन के अंदर। तो भगवान से तो कोई कपट कर नहीं सकता, भगवान तो बस वही भावना ही देखते हैं और तो कुछ देखते तो नहीं। भगवान ये नहीं देखते कि क्या लाए हो तुम मेरे लिए खाने के लिए, वो सुदामा के तंदूल भी खा लेंगे तो विदुर के यहाँ छिलके भी खा लेंगे तो साग भी खा लेंगे, उनको कोई पिस्ता बादाम और काजू खिलाएगा तभी खाएंगे, ऐसा नहीं है। उनको जो चीज़ भावना से खिला दी, तो आपकी पूजा का जो प्राण है वो है आपकी हृदय की भावना। 10 लोग खड़े हैं आरती कर रहे हैं, उसमें हो सकता है एक जना मूर्ति पूजा कर रहा हो और बाकी लोग हो सकता है कि भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा कर रहा हो, है ना? तो अर्चा विग्रह पूजा और मूर्ति पूजा, आइए आइए। इसमें बस प्राण का अंतर है, विधि का अंतर है, और प्राण का मतलब भावना,
हमारे अंदर कृष्ण भावना है, हम भगवान को सुखी करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, ठीक है। हम भगवान की कथा भी कर रहे हैं, भगवान खुश हो जाएंगे। सबके चित्त पे अगर कुछ प्रभाव पड़ेगा तो भगवान प्रसन्न होंगे। कीर्तन कर रहे हैं किस लिए? कि लोग खुश हो जाएं? नहीं, भगवान खुश हो जाएंगे तो लोग अपने आप खुश, भगवान सबके हृदय में है, वो जब आनंदित हो जाएंगे तो आपको तो आनंद ऑटोमेटिक मिलेगा। तो अब आप ये सोचिए कि जब भगवान के श्री विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उसमें जो मेन प्रोसेस है वो है कीर्तन। तो कीर्तन करने से क्या उस मूर्ति में कोई परिवर्तन आ जाता है? क्या हम में इतनी पावर है कि हम भगवान को बुलाते हैं और वहाँ उस मूर्ति में एंटर करा देते हैं और अब भगवान वहाँ से कहीं जाएंगे नहीं, अब हमारे अधीन रहेंगे, तो भगवान अब आपको यहाँ से निकलना नहीं है, हम इतने पावरफुल हो गए क्या? नहीं, नाम में पावर है, हरि नाम में पावर है, हम में पावर कहाँ? हमने क्या किया? हरि नाम किया। तो हरि नाम करने से हमारे अंदर कृष्ण भावना का विकास हुआ, मेरे अंदर प्राण आए, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस माने कृष्णा कॉन्शियसनेस, अदरवाइज देयर इज नो कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। तो प्राण तो मेरे अंदर आए, प्राण उधर थोड़े आए, प्राण प्रतिष्ठा हमने अपने अंदर की है। क्या है? भावना को लाए। कीर्तन करते तो कितना अच्छा लगता है, हमारा ही भाव। हम वैसे भी दूसरे दूसरे काम कर रहे थे, है ना, बाहर की दुनिया में पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, लेकिन आए मंदिर में बैठे, आधा घंटा कीर्तन किया और सारा कंसंट्रेशन अब मंदिर में बन गया। मेरी भावना विकसित होती है। भगवान के विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा या मेरे अंदर प्राण प्रतिष्ठा, मेरे अंदर भावना की प्रतिष्ठा, हमारी भावना विकसित होती है और उसी भावना को भगवान ग्रहण करते हैं। फिर आप चाहे जहां हो, भगवान तो हर जगह हैं। श्री कृष्ण कहाँ हैं? ओह, श्री कृष्ण यहाँ हैं। ओह, भक्त की फीलिंग होती है, अरे भगवान ढूंढता रहता है कहाँ है ठाकुर जी, अच्छा ये मालिन से फल ले रहे हैं, ये देख करके और पूरी उसको लीला समझ में आने लगती है, और भगवान कितने दयालु हैं, देखो टोकरी हीरों से भर दी है, ये वो है, उसकी सारी समस्या का हल कर दिया सदा सदा के लिए, केवल दो चार फल लेकर के, भावना से दी है उसने। तो यहाँ है भगवान, तो मुझे इनका श्रृंगार करना है। हम अपनी फुल कैपेसिटी से भगवान का श्रृंगार करेंगे, है ना, अच्छे से अच्छा करेंगे। मुझे राधा रानी की सेवा करनी है, वे यहाँ हैं, मुझे इसे अच्छी तरह से करना है, मुझे अपनी पूरी क्षमता से उसे उन्हें सजाना है। इस प्रकार यदि आप सदैव कृष्ण भावना का अनुभव करेंगे तो आप में अग्नि है, आप में प्राण है, आप में भावना है। अच्छे से अच्छा अगर आप करने की सोच रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, अर्थात भावना आपके अंदर आ चुकी है। यदि आप इन्हें पीतल की मूर्ति मानोगे तो वे आपके लिए सदैव पीतल की मूर्तियां बने रहेंगे, परंतु यदि आप स्वयं को कृष्ण भावना के उच्चतर स्तर तक उठाते हैं, स्वयं को उठाते हैं, तो ये श्री कृष्ण हैं, ये आपके साथ बातें करेंगे, ये श्री कृष्ण आपके साथ बातें करेंगे। प्रभुपाद कह रहे हैं, मेरे गुरु महाराज के समकालीन रहे वंशीदास बाबा जी महाराज अपने अर्चा विग्रह से बातें करते थे। भक्ति सिद्धांत महाराज के टाइम में थे वो वंशीदास बाबा जी, वो भगवान से बात करते थे अपने विग्रह से। मदन मोहन विग्रह सनातन गोस्वामी से बातें करते थे। 500 वर्ष पहले की बात है, सनातन गोस्वामी के पास मंदिर भी नहीं था कि वो कोई भगवान की बड़े ऐश्वर्य से सेवा करते हों, तो सन्यासी थे, सन्यासी आदमी कहाँ से पैसा लाएगा कि मंदिर बनाएगा, लेकिन भावना
इसलिए वे मदन मोहन अर्चा विग्रह को एक वृक्ष पर लटका के रखते थे, एक झोली जैसी बना रखी थी अपने वस्त्रों से, अब उसमें टांग देते थे भगवान को, भगवान टंगे हुए हैं वहाँ, अब भिक्षा करके लाए जो भी मिला उसी को सान करके, तवा भी नहीं है, चकला भी नहीं है, बेलन भी नहीं है, कुछ नहीं है, थोड़ी लकड़ी जलाई और उसी पे बस आटा सान करके दबा करके हाथ से बस बना दिया, लो ठाकुर जी खाओ। ये कैसे खाऊंगा, इसमें तो नमक भी नहीं है, नमक तो दो कम से कम। बोले मैं सन्यासी आदमी हूँ, कहाँ भटकूँगा, कहाँ से नमक लाऊँगा, मेरी तो उम्र भी बहुत हो चुकी है, मैं चल भी नहीं सकता ज़्यादा। अब भगवान खा रहे हैं पीका पीका। सनातन गोस्वामी ने कहा, प्रभु मैं नमक कहाँ से लाऊंगा, मुझे जो मिला मैंने आपको दिया है, कृपया इसे स्वीकार करें, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ इसलिए चल फिर नहीं सकता। तो देखा श्री कृष्ण को वही सूखी रोटी खानी पड़ी। क्यों खानी पड़ी, भक्त दे रहा है, देने वाला कौन है, उसके अंदर कितनी भावना है, ग्रंथ लिख रहा है, टाइम नहीं है उसके पास कि नमक के लिए, अब जो भगवान को भोग लगाएंगे वही तो हम भी खाएंगे, तो उसको स्वाद की चिंता नहीं है कि हम क्या प्रसाद पाएंगे, सूखी रोटी भगवान खा रहे हैं, भक्त भी खा रहा है, नमक तक नहीं है उसमें। हम लोगों को शौक चढ़े, ये भी खाएंगे, वो भी खाएंगे, वो भी खाएंगे, तो कथा भले छूट जाए। हाँ, भगवान को खिलाना चाहिए, भक्तों को खिलाना चाहिए, अपने खाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, बस इतना ही है, यही भावना है ना। प्रभुपाद जी की ये जो स्तुति है मंगल आरती में, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद, स्वादु अन्न, स्वादिष्ट अन्न, स्वादु अन्न तृप्तान, हरि भक्त संघान, हरि भक्तों को तृप्त होते हुए देख करके वो खुद तृप्त हो जाते, भगवान को मिला, भक्तों को मिल गया, हमको मिला नहीं मिला उसकी कोई चिंता नहीं, ये होता है गुरु। हर चीज में दक्ष, श्री विग्रह आराधन नित्य नाना, श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो, सिर्फ ये नहीं कि कुकिंग में अच्छा है, भगवान के अर्चा विग्रह का श्रृंगार भी ऐसा करेगा कि बिल्कुल आनंद से विभोर हो जाए सब भक्त दर्शन करते हैं। और सिर्फ यही नहीं कि श्रृंगार करेगा और कुकिंग करेगा, महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत, महाप्रभु के नाम कीर्तन नित्य गीत, हर चीज में एक्सपर्ट। तब वो गुरु कहलाता है, सारी क्वालिफिकेशन जिसमें आ जाती है। तो सनातन गोस्वामी ने सूखी रोटी दी और महाप्रभु भगवान ने खाई, मदन मोहन ने, और मना नहीं कर सकते हो, भक्तों को कैसे मना कर दूं। तो भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या हुई कि हम क्या ऑफर कर रहे हैं, वो नहीं, हम कैसे ऑफर कर रहे हैं, व्हाट इज़ माय प्रोसेस, प्रोसेस है भक्ति, भावना, भगवान भूखे होंगे, चिंता लगी है, कहीं बैठे हैं, अरे शाम को भोग लगाने का टाइम हो गया है ना, चिंता होने लग गई भक्त को, वो जा रहा है फिर भोग लगा रहा है, भगवान कहते हैं हाँ देखो मेरे लिए सब काम छोड़ करके ये आ गया और मेरे को भोग लगा रहा है, भगवान की आरती का टाइम हो गया, ये चिंताएं करते 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 जब मेरा अंतकाल होगा, तो जो 24 घंटे व्यक्ति सेवा में ही रहता है तो उसको हर समय, अब इस समय मान लो सुबह 4 बजे किसी का देहांत हो रहा है, सोचेगा मंगला का टाइम है, भगवान की सेवा का समय हो गया है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, भगवान 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 सोचता रहेगा। तो भगवान का चिंतन करते करते उसने देह त्याग दिया, दोपहर में 12 बजे जा रहा है, राजभोग का टाइम हुआ पड़ा है, वो सेवा का टाइम है ना, 1 बज रहा है, भगवान को शयन कराना चाहिए, अब थोड़ा रेस्ट कर लें भगवान, फिर शाम के 5 बज रहे हैं, भगवान को उठाने का टाइम है, चले भगवान का दर्शन करें, भगवान दर्शन करने आ गया, फिर गौर आरती का टाइम हो गया, फिर शयन का टाइम हो गया,
भगवान सो रहे हैं अच्छे से कि नहीं सो रहे हैं, सब व्यवस्था करके रख रहा है। 24 घंटे उसका खाली चिंतन क्या है, ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी, खूब आनंद में आ गए। किसी भी समय मृत्यु आ जाए उसको कोई चिंता ही नहीं है, जब भी मृत्यु आएगी आनी सबकी है। तो सफलता यही है कि हम जाएं तो भगवान का चिंतन हो, क्योंकि उस समय हो सकता है हम नाम ही न ले पा रहे हो। तो भगवान ने कहा अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान ने इतनी छूट दे दी कि हो सकता है तुम्हारे इतनी पावर नहीं हो कि तुम बोल पाओ, लेकिन अगर स्मरण भी है मेरा, स्मरण में तो कोई पावर नहीं लगानी है ना, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति संबंध भावम याति नास्त्यत्र संचय। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो मेरा स्मरण करते हुए जा रहा है वो मेरे पास आ रहा है। तो सनातन गोस्वामी ने सूखी रोटी दी, रूखी रोटी दी और भगवान को खानी पड़ी, क्योंकि भक्त दे रहा है कैसे मना कर दो। तो हमको भी सीखना चाहिए जब भगवान भक्त को मना नहीं करते तो हम भी कभी भक्त अगर कोई चीज़ दे रहा है तो मना नहीं करना चाहिए, है ना। भगवान ही मना नहीं करते उसको हमारी क्या हैसियत है, हम कैसे मना कर दें। इसलिए भक्तों के साथ आदान प्रदान, इसी से मेरी भक्ति बढ़ेगी, प्रीति बढ़ेगी। तो भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। आप श्री कृष्ण को क्या दे सकते हैं, कोई कमी है क्या उनके पास, कुछ नहीं दे सकते, केवल अपनी भावना दे सकते हैं। सब कुछ तो उन्हीं का है, आपका है क्या, आपकी वैल्यू क्या है, कुछ नहीं। हाँ, और आपकी वस्तुओं का मूल्य क्या है, कुछ नहीं। वास्तविक मूल्य है भक्त्या, क्योंकि आप भक्ति के साथ लाए हो, भगवान मना नहीं कर पाते। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेच्छ, जो मुझे भक्ति के साथ अर्पण करता है। तो कंडीशन लगाई भगवान ने वहाँ पे, भक्ति के साथ अर्पण करोगे तो लूँगा, शबरी के जूठे बेर भी ले लूँगा, है ना, विद्रोहानी के छिलके भी खा लूँगा, सब कुछ खा लूँगा। ये चिंता मत करो कि तुम गरीब हो तुम ये नहीं दे सकते, तुम अमीर हो तुम वो नहीं कर सकते, भगवान की नज़र में सब बराबर है। शूद्र है, स्त्री है, वैश्य है, पापी है, बस शरणागत हो गया है अगर वो विधि का पालन करने लगा है, भगवान सब भूल जाते हैं। तो वास्तविक मूल्य क्या है, भक्त्या। आपकी भक्ति भरी भावना का ही मूल्य है। हे कृष्ण कृपा कृपया इसे स्वीकार करें, मेरे पास योग्यता नहीं है, मैं परम पतित हूँ, मुझसे ज़्यादा पतित दूसरा कोई मिलेगा ही नहीं है आपको। मोसम पतित प्रभु ना पाई बिहार, परंतु मैं यह आपके लिए लाया हूँ, प्लीज़ एक्सेप्ट, आपकी कृपा होगी बड़ी, आप स्वीकार कर लीजिए, कृपया ऐसे स्वीकार करें। तो कृष्ण स्वीकार करेंगे। प्रभुपाद जाते जाते लास्ट में कह रहे हैं घमंड ना करो कि हम तो 64 माला जप करते हैं जी, क्यों नहीं खाएंगे भगवान मेरे हाथ से। चैतन्य चरितामृत में कहा है उन्होंने कि जो 1 लाख नाम लेता है मेरा मैं उसके हाथ से खाऊंगा। तो मैंने 64 माला कर ली, इस बात तो भगवान मेरे खाएंगे, अब हमको ये अभिमान हो गया। नहीं, घमंड मत करो, सदैव सावधान रहो, क्योंकि आप किसके साथ डील कर रहे हो, आप श्री कृष्ण के साथ में डील कर रहे हो, है ना, जिनके चरणों के जल को शिव जी अपने सिर पर धारण करते हैं, ब्रह्मा जी अपने कमंडल में भरे रहते हैं चरण जल उनका, उनके साथ आपकी डीलिंग हो रही है। आप भोग लगा रहे हो किसको, ऐसे व्यक्ति को जिसके अधीन है शिव और ब्रह्मा तक, जो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनके कहने पे हलाहल विष पी लेते हैं शिव जी खुशी खुशी, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे हैं भगवान के आदेश से। तो इतने बड़े बड़े लोग, सृष्टि को बनाने वाला, सृष्टि का संहार करने वाला, ये सब लोग जिसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं
और बाकी जो मैनेजमेंट है वो इंद्र आदि देवता कर रहे हैं, वायुदेव अग्निदेव इंद्रदेव इन सब की व्यवस्था चल रही है, सब आदेश का पालन कर रहे हैं। उन भगवान को हम कुछ भोग लगाने के लिए लाए हैं तो बहुत विनम्रता के साथ और उनकी कृपा को स्वीकार करते हुए कि भाई आपकी बड़ी कृपा होगी आप इसको ग्रहण करिए। तो याद रखिए हमेशा हमेशा सावधान रहिए कि आप कृष्ण के साथ डील कर रहे हैं, यही मेरा निवेदन है। तो जब आप भावना के साथ करेंगे तो यही असली प्राण प्रतिष्ठा है जो कि आपके अंदर होती है, कृष्ण भावना की प्रतिष्ठा। और जब आप विधि का पालन करते हैं तो आप प्यूरिफाई होना शुरू करते हैं, और जब बिना विधि के भगवान की पूजा की जाती है उसी को मूर्ति पूजा कहते हैं, और जब विधि पूर्वक पूजा की जाती है तो वो श्री विग्रह सेवा कहलाती है। और हम लोग गोविंद जी के मंदिर में इसलिए जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े आचार्यों के द्वारा स्थापित रूप गोस्वामी सेवा करते थे उनकी, रूप गोस्वामी, ये जो सनातन गोस्वामी की अभी कथा बताई जो भगवान से बात करते थे उनके भाई हैं रूप गोस्वामी। तो उनके द्वारा वो सेवित विग्रह हैं, वहाँ प्रामाणिक विधि से सेवा होती है, इसलिए वहाँ पर ठाकुर जी विराजमान हैं, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। बाकी हम उनको किस भावना से देखते हैं उस आधार पे ये निर्भर करेगा कि हम गोविंद देव जी के मंदिर गए, हमने श्री विग्रह का दर्शन किया कि हमने मूर्ति का दर्शन किया, हमने श्री विग्रह की सेवा की हमने मूर्ति की सेवा की, मेरी भावना उसके आधार पे ये जज होगा। और बहुत सुंदर उदाहरण प्रभुपाद ने दिया पोस्ट बॉक्स का, हम अपने घर में पोस्ट बॉक्स लगा लें उसमें चिट्ठियाँ डालते रहें तो नहीं पहुँचेंगे, लेकिन प्रामाणिक पोस्ट बॉक्स है थोड़ी दूर पर, वहाँ जाके डाल के आए तो पहुँच गए, गोविंद देव जी के सामने गए और भावना से कुछ कह दिया तो हो गया काम, है ना। घर में उतनी विधि का पालन नहीं कर पाता है कोई, वहाँ जाते हैं तो फीलिंग्स तो डिफरेंट होती हैं और घर में वैसी फीलिंग्स नहीं आ पाती, आती हैं जिसकी वो तो बहुत भाग्यवान है, है ना, है तो वही, अंतर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन चूँकि भगवान और साथ में इतने सारे भक्त और वो कितने प्रेम से भगवान को भोग लगाते रहते हैं, मेरे हाथ में माखन मिश्री है मैं भोग लगाने लाया हूँ, बड़े प्रेम से खाओ मनमोहन मैं तुम्हें खिलाने आया हूँ, इतनी दूर दूर से लोग आए हैं भगवान को माखन मिश्री खिला रहे हैं और बड़े प्रेम से ऑफर कर रहे हैं उनको, और ये सब जो कानों में पड़ता है और फिर सब भक्तों की फीलिंग्स दिखाई पड़ती हैं वहाँ पर, तो एक अलग ही रोमांच होता है। तो जाते रहना चाहिए भगवान के मंदिर में, है ना, तो हमारा बड़ा शीघ्र विकास होगा। और रेगुलर प्रैक्टिस के लिए तो घर में भगवान आ ही गए हैं, आओ सेवा करो मेरी, है मैं वही हूँ जो गोलोक में है, जहाँ तुम जाना चाहते हो कोई अंतर नहीं, हमको माला पहनाई तो सीधे वहीं जा रही है, हमको भोग लगाया सीधे वहीं जा रहे हैं, ये फीलिंग्स रखनी चाहिए, ठीक है। तो कभी भी अंतर ना करें, भगवान की तस्वीर और भगवान दोनों एक हैं, कोई भेद नहीं है, और प्रभुपाद की तस्वीर और प्रभुपाद में भी कोई अंतर नहीं है, गुरु और कृष्ण दोनों का जो देह है वो सब ट्रांसेंडेंटल है, क्योंकि प्रभुपाद जी भगवान की सेवा के अलावा कुछ सोचते नहीं है, 2400 घंटे इस शरीर से केवल भगवान की सेवा सेवा सेवा, तो उनकी बॉडी और लगातार रखी हुई रॉड जैसे आग में आग का गुण ले लेती है, वो वही आग बन चुके हैं भगवान के साथ रह करके, तो हम अगर उस रॉड के साथ में भी रह लेंगे तो भी ताप आ जाएगा वैसा ही। तो हमें चाहिए कंटिन्यूअस कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपने आप को रखने की कोशिश करें। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
सतना हरे 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 राम राम।